तो आज की यात्रा श्री श्याम जी के द्वार, श्री खाटू श्याम जी। तो निकलते हैं, अभी शाम का समय हुआ है, करीब 7 बज चुके हैं, सनलाइट काफी है अभी, तो निकलते हैं श्री श्याम जी के जयकारे के साथ। खाटू नरेश की, तीन बाण धारी की, हारे के सहारे की जय। तो आज हमारी यात्रा श्री खाटू श्याम जी मुजफ्फरनगर से, शाम 7 बजे हमने ये यात्रा स्टार्ट की है, और देखते हैं कैसा रहने वाला है आज का सफर, और रास्ते में जो भी अपडेट होगा वो हम आपको देते रहेंगे। बाकी आप भी हमारे साथ वर्चुअल श्री श्याम जी की यात्रा करिए। जय श्री श्याम। तो आज की यात्रा का जो हमारा पहला स्टॉप है वो हमने ले लिया है, हमें अभी मेरठ पंडित जी भी ढाबा, क्योंकि जो हमारे छोटे साहब हैं उनको लग गई थी भूख, और भूख का टाइम भी है, 8 बज चुके हैं, 8:10, अभी हमें चले हुआ गया 1 घंटा, और 1 घंटे में हमने जो सफ़र किया है तय 50 किलोमीटर, यही स्पीड रहेगी क्योंकि मम्मी पापा साथ हैं, और स्पीड नहीं करनी है, तो सेफ चलना है, पूरी रात है हमारे पास, सुबह तक पहुँचेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो चलते हैं, भोजन करते हैं, पेट पूजा, और मिलते हैं आपको। राशन आ गया है, फटाफट करते हैं इसको फिनिश। ये भाई मोटी पूरी कर देगी फिनिश, पूरी टेबल साफ कर देगी। भोजन हो चुका है, पूरा 1 घंटे का ब्रेक लिया है हमने, 1 घंटा ड्राइविंग टाइम और 1 घंटा पूरा रेस्ट, थोड़ा ज़्यादा हो गया रेस्ट को, लेकिन कोई नहीं, रात अपनी है, चलेंगे आराम से श्री श्याम का नाम लेते हुए। तो मेरठ में हो गया है स्वागत जाम के साथ, फ्लाईओवर के ऊपर कोई गाड़ी में प्रॉब्लम हुई होगी, तो इस वजह से फ्लाईओवर के ऊपर भी नीचे भी चारों तरफ जाम ही जाम, देखते हैं कितना समय लगता है। ये थी कोई ताज़ा अपडेट, खाटू श्याम यात्रा मुजफ्फरनगर टू खाटू श्याम। मुजफ्फरनगर से खाटू श्याम जाने के लिए वैसे तो कई रूट है, आप मुजफ्फरनगर से बागपत बड़ोत होते हुए भी खाटू श्याम जी जा सकते हैं। दूसरा रास्ता मुजफ्फरनगर से मेरठ, पलवल, मानेसर होते हुए जयपुर रोड, इस तरीके से भी आप खाटू श्याम जी जा सकते हैं, लेकिन हमने जो अपने लिए रास्ता चुना वो एकदम सीधा मुजफ्फरनगर मेरठ दिल्ली गुड़गांवा होते हुए चुना। इस रूट पर आपको कई सारे टोल पे करने पड़ेंगे, दिल्ली से निकलने के बाद जब आप राजस्थान में एंटर हो जाएंगे उसके बाद भी आपको कई जगह ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से टोल पे करना पड़ सकता है। खाटू श्याम यात्रा पर आपका टोल का खर्चा लगभग 700 से 800 रुपये दोनों ओर का आता है, अगर आपकी पर्सनल कार है तो। यह नज़ारा रिंगस मार्केट का, सुबह के अभी 4 बजे हैं, और आप देख सकते हैं कि गाड़ी पार्किंग करने की जगह भी नहीं है, हमें गाड़ी पार्क करने के लिए जगह भी यहाँ पर आकर मिली, और ये झंडे की मार्केट, यहाँ से लोग निशान लेकर आगे बढ़ते हैं। तो
सुबह का समय है, अभी 4:15 का टाइम है और आप देख सकते हैं किस तरीके की चहल पहल यहाँ रिंगस में। भक्तों का पूरा जन सैलाब जैसे कहेंगे, और हर स्टेट की गाड़ी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। दिल्ली, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, चंडीगढ़, हरियाणा के भी काफ़ी भक्त हैं, यूपी के भी काफ़ी हैं, यूपी 12, 14, 16, हर स्टेट की, हर जिले की गाड़ी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। बाकी चलते हैं अब अपनी मंजिल की ओर, बाबा श्याम के दरबार में। हम आ पहुँचे हैं तोरण द्वार के पास और यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से ज़बरदस्त जाम लगा हुआ है। गाड़ी को लगाते हैं कहीं साइड में पार्किंग के अंदर, मिलते हैं आपको तोरण द्वार के पास। सुबह सुबह का वक्त है, मौसम एकदम सुहाना, बादल छाए हुए हैं और तोरण द्वार के दर्शन, बहुत ही मनमोहक ये दृश्य है। और अब हम यहाँ से चलेंगे मंदिर परिसर की ओर। हमने पार्किंग में अपनी गाड़ी लगा दी है, वहीं कॉम्प्लेक्स बना हुआ था, वहाँ पर हमने स्नान वगैरह भी सब कर लिया है और अब हमने निर्णय लिया है पहले हम मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएंगे। बाकी आप देख सकते हैं किस तरीके से भक्तों के जन सैलाब यहाँ उमड़ा हुआ है। जिधर भी आप जाएंगे वहाँ पर आपको श्री राम जी की ध्वजा, गुलाब, इत्र और प्रसाद की दुकानें यहाँ देखने के लिए मिलेंगी। आज रविवार का दिन है, काफ़ी भीड़ बताते हैं रविवार और शनिवार को यहाँ पर हो जाती है। अगर भक्तों हो सके तो शनिवार और रविवार को अवॉइड करें, क्योंकि भीड़ के टाइम पर यहाँ के जो दुकानदार या धर्मशाला वाले लोग हैं वो भी कुछ अपना चार्ज बढ़ा लेते हैं। जैसे कि जिस कमरे का रेट नॉर्मल 500 रुपये में आपको मिल जाता है, वो आज रविवार और शनिवार के दिन आपको मिलता है 1000 से 1500 रुपये में। इसीलिए हमने यहाँ पर अभी कमरा नहीं लिया है। यहाँ पर दर्शन करने के बाद हम निकलेंगे रिंगस की ओर और रास्ते में कहीं अच्छी लोकेशन देखकर कमरा ले लेंगे, क्योंकि आज की डेट में यहाँ पर कोई भी कमरा 2000-2500 में भी खाली नहीं है। दोस्तों, खाटू के बारे में एक मान्यता ये भी है कि बाबा जब तक आपको दर्शन देने के लिए नहीं बुलाएंगे तब तक आपका कोई प्रोग्राम नहीं बनेगा, और इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारे चारों ओर किस तरीके से लाइनें लगी हुई हैं और लाइनों के अंदर भीड़ भी है, लेकिन जिस लाइन से हम जा रहे हैं वो हमारे पीछे भी खाली है और हमारे आगे भी एकदम खाली। हम कितनी रफ्तार से बाबा की ओर बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हमारा बाबा ने बुलावा आज भेजा है इसलिए। तो करते हैं फटाफट दर्शन, मिलते हैं आपको दर्शन करने के बाद। आपको पता है किसी भी मेन मंदिर में वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी अलाउड नहीं होती। काफ़ी अच्छे से वैसे हमने दर्शन कर लिए थे और अब हमने कूच कर दी थी अपनी गाड़ी की ओर, जो कि पार्किंग हमारी तोरण द्वार की ओर थी। मौसम काफ़ी अच्छा था अभी तक, अभी सुबह से धूप निकली है, आप देख सकते हैं नज़ारा मौसम का, हल्के हल्के बादल भी हैं। खाटू श्याम जी का मंदिर शिखर जिले के खाटू गांव में स्थित है। यहां आने के लिए नज़दीकी रेलवे स्टेशन रिंगस रेलवे स्टेशन है, नज़दीकी एयरपोर्ट जयपुर। अगर आप किसी भी साधन से जयपुर आ जाते हैं, जयपुर से आपको शेयरिंग टैक्सी द्वारा भी खाटू श्याम तक आ सकते हैं। खाटू श्याम की दूरी जयपुर से लगभग 100 किलोमीटर है और नज़दीकी रेलवे स्टेशन रिंगस जिसकी दूरी 17 किलोमीटर है। जयपुर से खाटू श्याम जी के लिए और रिंगस से खाटू श्याम जी के लिए 24 घंटे की शटल सेवा उपलब्ध है। आपको आने जाने में कोई भी समस्या नहीं होने वाली और आपको शेयरिंग पार्टनर भी बहुत सारे मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भक्तों का मेला लगा रहता है। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, आप अपनी राय हमारे चैनल पर जरूर दें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।